हेलो व्यूअर्स, अर्चना की कुक बुक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको आम की खट्टी मिट्टी चटनी तो बहुत पसंद होगी, तो आज मैं वही लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आम की खट्टी मिट्टी चटनी जो सिर्फ तड़के से बन जाए, सिर्फ सस्ती, बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने मस्टर्ड डाल लिया है और मैं आम की मिट्टी चटनी बनाने जा रही हूँ। तो उसमें मैंने थोड़े कच्चे थोड़े पक्के आम ले लिए हैं, काट के स्लाइसेस में। और ये मैं आपको काट के दिखाऊंगी कि मैं कैसे स्लाइस की हूँ। हाँ, मैं काट के दिखाऊंगी आपको। और देखिए, ये अंदर से गुठली है तो मैं इसको छोड़ दूंगी, ऊपर सारे पल्प निकालूंगी। इसलिए मैंने आपके लिए एक रखा था कि मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि मैं कैसे इसको निकालती हूँ। ऐसे ऐसे निकालूंगी, उसके बाद आप अपने स्लाइसेस को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। पहले तो मैं इसके सारे पल्प निकाल के रख लूँ। तो मैं इतना आपका काट के मैं दिखा दे रही हूँ, फिर मैं बाद में निकालूंगी। देखिए, मैं इसको छोटे छोटे काट के मैं अपने अकॉर्डिंग, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको काट के छोटा बड़ा बना सकते हैं। और नॉब को ऑन कर दिया है। मैं इसमें ऑयल डाल दे रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल, जो कि मैं ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल प्रीफर करती हूँ। ये बहुत एंटी ऑक्सीडेंट से भरा पड़ा रहता है। और बहुत तो घी भी यूज करते हैं, आप भी घी, रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। देन मैं आपको स्लाइसेस इसके काट के दिखा दूँ। और इसमें मेन तड़का का रोल ज़्यादा अच्छा होता है। तड़का, जैसे आप इसमें क्या क्या, मेन तड़के की भूमिका बहुत अच्छी होती है कि मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलाऊंगी, इसके फ्लेवर काफ़ी बहुत अच्छे मिक्स होकर फ्लेवर आते हैं। ये धनिया एक चम्मच, मैं सौंफ एक चम्मच ली हूँ, जीरा एक चम्मच ली हूँ, कलौंजी या मंगरेला एक आधी चम्मच है, दो मिर्ची ली हूँ मैं, और ये जीरा है एक चम्मच, दो बेलीफ है। और मैं ये सब तड़के में यूज करूँगी। और थोड़ा सा इसको ब्राउन होने के बाद मैं आम डालकर थोड़ा इसको भूनूंगी। मैं इसमें जो मैं आपको दिखा दी थी, मैं अब उसको डाल रही हूँ। सबको ऑयल में डालती हूँ। थोड़ा सा डाल दी हूँ, अब निकालेंगे नहीं। इसको मैं थोड़ा ब्राउन होने देती हूँ, फिर मैं आगे किसके बाद दिखाऊँ। ये थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया है, ये ब्राउन हो चला है। तो अब मैं इसमें आम डालूँगी और आम को थोड़ा थोड़ा फ्राई करूँगी। चलिए, मैं इसमें डाल देती हूँ मैंगो डालती हूँ, जो मेरे स्लाइस किए हुए मैंगो हैं, जो मैंने स्लाइस किए हुए मैंगो, मैं इसको डालती हूँ। चूँकि अब कलर बदल चुका तड़का का, तो इसको डालती हूँ। मैंने डाल दिया है, इसको फ्राई करते थोड़ा सा मैं इसको ढक दूंगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा चला चला के मैं इसको ढक दे रही हूँ, थोड़ा सा पानी निकलेगा। उसके बाद मैं इसको ढक दी हूँ सिम पे करके, ताकि ये थोड़ा पानी छोड़ दे। उसके बाद मैं इसमें ये नमक है, और ये नमक है, और ये हल्दी है, टेस्ट के हिसाब से मैं उसमें मिलाऊँगी। और ये गुड़ है, मीठा भी बहुत लोग इसको बोलते हैं, तो ये ज़्यादा टेस्ट डेवलप करता है, तो मैं गुड़ भी मिलाऊंगी। अगर आपको गुड़ कम है या नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकती हैं। मैं गुड़ और चीनी दोनों मिक्स करके डालूंगी, क्योंकि दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और चलिए मिलते हैं। कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा ढक के, फिर ढक्कन उठा के मैं इसको थोड़ा थोड़ा चला दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, ज़्यादा इसमें भात नहीं लगाना पड़ता है, और बहुत ही टेस्ट आता है। तो इसमें मैं मिलाऊं, क्योंकि अब जैसा मुझे चाहिए था उसका अब हो गया है ये। तो मैं इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी डाल देती हूँ, थोड़ा सा, और नमक डालती हूँ एक चम्मच के करीब। मैं नमक डालूँगी, नमक टेस्ट करके आप बाद में भी डाल सकते हैं, किसको कितना नमकीन और मीठा खाना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसमें गुड़ भी मिलाऊँगी, गुड़ भी डालूँगी इसके साथ। बहुत ही अच्छा, रियल एकदम मज़ेदार टेस्ट आता है। इसको मैं मिला दूँगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें गुड़ डाल दिया, थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी, और मैं इसको ढक दूँगी। अब मैं इसको ढक दूँगी, इसको मैं पकने देती हूँ थोड़ा, फिर मिलते हैं। मैं थोड़ा इसमें चीनी भी डालूँगी, क्योंकि मैं चीनी और वो गुड़ दोनों मिक्स करके बनाना चाहती हूँ। तो मैं इसमें चीनी भी डालूँगी। अगर आपके पास
गुड़ अगर अच्छी मात्रा में है तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं, सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं, सिर्फ चीनी से भी, या दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा चीनी भी डाल के इसको दोनों के साथ बनाना चाहूँगी, क्योंकि दोनों मिलाने के बाद एक अलग ही लेवल का इसमें टेस्ट डेवलप होता है। तो देखिए थोड़ा सा ये लटपटा टाइप का होने लगा है, चाशनी टाइप का, इसको मैं ढक देती हूँ। ये इसको मीडियम से थोड़ा सा कम पे मैं इसको पका रही हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्या इसका टेक्सचर आता है। ये जो मैंने खट्टी मिट्टी चटनी बनाई है आम की, मतलब आम वाली अचार या चटनी जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, तो मैं इसको थोड़ा टेस्ट करके बताती हूँ मैं इसमें क्या डेवलप करना चाहूँगी या कम या ज़्यादा है। मैंने टेस्ट किया और मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, तो चलिए सर्व करते हैं। इससे बिना सर्व किए नहीं रहा गया, क्योंकि मैं बहुत ही ये बहुत लाइक करती हूँ इस तरह के चटनी अचार जो भी आप कहते हो, मैं बहुत लाइक करती हूँ, इसलिए मैं आपको सर्व करके दिखाना ज़्यादा ज़रूरी समझी, इसलिए मैंने आपको सर्व करके दिखाया। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है, आराम से आप इसको ठंडे करके बॉटल में रख के यूज कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। हैप्पी कुकिंग, थैंक यू। खाना है बनाना तो अर्चना की कुकबुक ज़रूर देखना, खाते रहिए बनाते रहिए हैप्पी कुकिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाकी रेसिपी के लिए ज़रूर देखें, और मेरे बहुत ही सस्ते और यम्मी रेसिपीज हैं, जाके ट्राई कीजिए।